आज की क्लास में हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपने टाइप्स में पढ़ा हो और आपको याद हो, जब हमने टाइप्स की बात की थी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पे आपने देखा कि दो टाइप्स निकल के आते हैं, एक था सैचुरेटेड और दूसरा था अनसैचुरेटेड। इनफैक्ट हमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को भी डिस्कस किया। अब सोच के देखो कि जितने भी टाइप्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, जिनके अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ अलग अलग होता है। अब इतने ज़्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे तो उन सभी की नेमिंग करनी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबको आप कैसे क्या बुलाओगे। ठीक, तो वही हमारा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए जिस हम रूल का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है IUPAC नेम। ठीक है, अब देखो हुआ ये कि जब शुरू शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने शुरू हो गए तो लोग ना उनकी नेमिंग उनके ओरिजिन के बेस पे कर देते थे। जैसे कि सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड का जो ओरिजिन था वो एक इंसेक्ट था, ठीक है, उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग कर दी गई। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज जो है हमें किसी प्लांट से मिल जाता तो उसी प्लांट के नेम पे हम उसका नेम रख देते। बट ये बहुत डिफिकल्ट था, कब तक आप अलग अलग ओरिजिन्स के बेसिस पे आप उसकी नेमिंग करते रहोगे। ठीक है, अब मान लो कि एक ही ओरिजिन से दो स्पीसीज मिल गए, फिर क्या करोगे। ठीक, और लोग कब तक उस डिफ़िकल्ट ओरिजिन्स को याद करते रहेंगे। ठीक, वो एक पैटर्न नहीं था, सिस्टमैटिक तरीका नहीं था नेमिंग के लिए। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक स्टैंडर्ड तरीका देने के लिए एक सिस्टम को तैयार किया गया जिसको कहा जाता है IUPAC नेमिंग। तो हम जितने भी नेमिंग करेंगे वो हम करेंगे IUPAC नेमिंग के बेस पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IUPAC। ठीक है, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा ये होता क्या है IUPAC, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करती है, ऑथराइज करती है, और नेमिंग की भी शुरुआत जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। तो ये था कुछ ब्रीफ हिस्ट्री इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर IUPAC नेमिंग के बेसिस पे आप किस तरीके से हाइड्रोकार्बन के नेमिंग्स को करोगे इसको समझते हैं। तो आप सोच के देखो, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें होते हैं बहुत सारे कार्बन एटम प्रेजेंट। ठीक, अब मान लो कि हमारे पास किसी हाइड्रोकार्बन में, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं बनाऊँ आपके लिए, तो ये ना ये है कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा, और इन पांच कार्बन की मदद से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सपोज कर लो। ठीक, आपको हर जगह पे दिख गया सिंगल बॉन्ड, तो आपको इतना पता चल गया कि ये है सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड, यानी कि ये होगा एक अल्केन। ठीक, तो क्या आप केवल इसको ये बोलोगे कि ये एक अल्केन है या सैचुरेटेड है? अब सैचुरेटेड तो ये भी हो सकता है जिसमें तीन कार्बन है, और अल्केन भी हो सकता है ये। तो फिर इनमें और इसमें फ़र्क क्या रह गया? कुछ तो फ़र्क होगा। ठीक है, केवल कार्बन ज़्यादा होना ही फ़र्क नहीं होता, बल्कि नेमिंग के बेसिस पे भी आपको इसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। तो आइए ज़रा उस चीज़ को समझें। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ क्लीन, और हम अब जितने भी कार्बन किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है और उनकी नेमिंग क्या होती है ये ज़रा समझते हैं, हम कैसे लिखते हैं। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, वन कार्बन, ठीक, तो आप उसको बोलोगे मेथ। ठीक, किसी में है दो कार्बन, टू कार्बन, तो आप उसे बोलोगे एथ। किसी में है तीन कार्बन, थ्री कार्बन एटम्स, तो आप उसे बोलोगे प्रॉप। ठीक, और इस तरीके से आगे सीरीज कंटिन्यू होती है। अब आगे अगर सीरीज कंटिन्यू होती है तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, चार, पाँच, छः, सात, इनको क्या बोलते हैं? तो चार वाले को हम कहते हैं ब्यूट, पाँच वाले को हम कहते हैं पेंट, छः वाले को कहते हैं हम हेग्स, सात वाले को कहते हैं हम हेप्ट, आठ वाले को कहते हैं हम ऑक्ट, नौ वाले को कहते हैं हम नॉन, और दस वाले को कहते हैं हम डेक। अब ये हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ब्यूट, डेक, इन सब का इस्तेमाल किया कैसे जाता है इनको भी हम समझेंगे। अब आप सोच के देखो कि जो ये कार्बन एटम हैं, ठीक है, चाहे एक कार्बन हो, चाहे दो हो, चाहे पाँच हो, जितने भी ये कार्बन एटम हैं ये किसी न किसी बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक, फिलहाल तो मैंने हाइड्रोजन की बात की ही नहीं है, केवल और केवल अभी कार्बन की बात कर रहे हैं कि कितने कार्बन होंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा। वापस आते हैं टॉपिक पे कि जितने भी ये कार्बन एटम हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अब डिसाइड करना है कि बॉन्ड कैसा है। इफ़ इन केस अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाए, अगर आपको मिल जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंगल बॉन्ड। तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड को हम एन से बुलाते हैं।
ठीक है, इसीलिए उसका नाम अल्केन था। ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड वाला होता है, अगर होता है वो डबल बॉन्ड वाला, तो उसे हम बुलाते हैं ईन से, और इसलिए वो अल्कीन होता है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करें हम, तो उसे हम प्रोनाउंस करेंगे आइन से। ठीक है, और आपने देखा कि ये जो एन है ये कहाँ से फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था अल्केन से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्केन, तो अल्केन के जो लास्ट थ्री वर्ड है ना, लास्ट थ्री लेटर है, ठीक है, वही इसके नेमिंग में काउंट किया जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये फॉर्म हुआ था अल्कीन से, अल्कीन से। ठीक है, ये के है, तो लास्ट के इसके तीन अल्फ़ाबेट्स देखो तो ये ईन है, तो इसलिए इसकी नेमिंग में इसको हम ईन से प्रोनाउंस करते हैं। इन अ सिमिलर फैशन ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम अल्काइन कहते हैं उसको हम आइन से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो बॉन्ड होंगे उनको हम किससे प्रोनाउंस करेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे उनको हम क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम एक नेमिंग करके देखते हैं किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो आइए सबसे पहला नेमिंग करें क्लास टेंथ के बेसिस पे। मान लीजिए कि अगर आपको नेम करना है CH4 का, ठीक है, ये आपके सामने है CH4, और आपने बार बार सुना होगा रिपीटेडली कि CH4 को हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, ये है आपके सामने मीथेन। कभी आपने सोचा है कि इसको मीथेन क्यों बुलाते हैं? तो आइए ज़रा आज की क्लास में समझें। इसमें काउंट करो कितने कार्बन हैं, इसमें है एक कार्बन। अगर कहीं एक कार्बन होता है तो उसे हम बोलते हैं मैथ। ठीक है, तो हमने इसे बोल दिया मैथ। तो यहाँ पे ये देखो मैथ तक एक कार्बन के लिए, और बॉन्ड क्या है इसमें, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी देखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या बॉन्ड दिखेगा, आपको दिखेगा सिंगल बॉन्ड हर जगह। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, अगेन एन यूज़ करते हैं। तो एक कार्बन के लिए हमने वर्ड यूज़ किया मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ किया एन, तो इसलिए इसका नाम बन गया मीथेन। तो ये जो मैथ वर्ड था ये था कार्बन के लिए, और ये जो एन वर्ड था ये था सिंगल बॉन्ड के लिए। तो अभी आपने जो नेमिंग किया उस नेमिंग में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सी एटम लिख देता हूँ प्लस में, दूसरा जो है टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। इन दो चीज़ों के बेसिस पे आपने किसी का भी नेमिंग किया, और फिलहाल किसका नेमिंग किया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि मीथेन था। आइए समझे, अगर मीथेन के अलावा कोई और आ जाए तो कैसे नेमिंग करेंगे। तो सपोज़ हमारे पास है C2H6, ठीक, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है या डबल बॉन्ड से। और अगर आपको कन्फ्यूजन है इस चीज़ में तो मेक श्योर कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले प्रॉपरली। कैसे ड्रॉ करते हैं आइए ज़रा एक बार देखें। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये पहले तो आप कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर दो। अब देखो कि इस कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए और कितने बॉन्ड की ज़रूरत है, तो एक तो यहाँ पे है, बाकी तीन बॉन्ड की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे लगाओ 1, 2, 3, ठीक है, आप इसके पास तीन अलग से बॉन्ड लगा दो जो कि हाइड्रोजन जाके कंप्लीट करेगा। सिमिलरली इस कार्बन को भी तीन की ज़रूरत है, तो आप लगा दो 1, 2 और 3, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो कि 1, 2, 3, 4, और हर बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई है। सिमिलरली ये कार्बन इस बॉन्ड के साथ, इस और इस बॉन्ड के साथ 8 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई है, वेर इज हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। खैर ये तो होगी बॉन्डिंग की बात, वापस आते हैं नेमिंग के ऊपर। अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि ये जो है वो सिंगल बॉन्ड है। आप प्लीज़ इसको देख के मत डिसाइड करना कि सिंगल बॉन्ड है, आप देखोगे कार्बन और कार्बन आइटम के बीच में बॉन्ड जो वो कैसा बनता है। अगर मीथेन की बात की जाए तो वहाँ पे कोई दूसरा कार्बन आइटम नहीं था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ वो एक बॉन्ड बना रहा है वो डिसाइड नहीं करता, बल्कि कार्बन कार्बन आइटम कितने बॉन्ड बना रहे हैं वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे है एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, वो होता है एन। तो आपको पता है कि आपके नेमिंग में आंसर क्या आने वाला है, एन आने वाला है। पर उससे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी लिखते हो जो कि प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे दो कार्बन एटम, तो हम नाम में लिखेंगे एथ। तो इसका जो पूरा नाम आ गया वो आएगा इथेन, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब दो कार्बन एटम होते हैं यहाँ पे देखो, तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया था, एथ। तो इस तरीके से इसका नाम जो होता है, जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका नाम होता है इथेन। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि पूछूँ आपसे कि बताओ इसका नाम क्या होगा, C5H12, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है वो सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड। तो जब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो पता चलेगा ये सिंगल बॉन्ड वाला है। तो वेल जैसे ही आपको दिखा सिंगल बॉन्ड, आपको पता चल गया कि रिजल्ट में जो है वो एन आएगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ ना, रिजल्ट दो चीज़ों पर बेस्ड होता है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। आई अगेन रिपीट, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स तो ये होता है कि कितने कार्बन आइटम, और सफिक्स ये होता है कि कैसा बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द बॉन्ड पहले लिख लिया, जो सफिक्स आने वाला है वो पहले लिख लिया, वो है। अब कितने कार्बन आइटम है,
पांच कार्बन आइटम है, तो पांच के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेंट, तो इसका पूरा नाम आएगा पेंटेन, ठीक है। तो ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कुछ नेमिंग्स हैं। आगे की क्लास में हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे, जहाँ पे हम ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे।